गृह मंत्री अमित शाह का आज जो है वीर कुंवर सिंह के जयंती के अवसर पर आरा में कार्यक्रम है। कहा जा रहा है कि 75,000 तिरंगा झंडा ध्वज रोहन वहां किया जाएगा, एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन आज राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह ने अपने कार्यालय में भी वीर कुंवर सिंह का जयंती मना रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। बड़ी बात ये कह दी कि वीर कुंवर सिंह के संघर्ष जिस समय चल रहे थे, उस समय जो अंग्रेजों के दलाली कर रहे थे, आज जो है उनका एक तरह से त्यौहार मना रहे हैं, उनका नाम लेकर के जो है राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। वीर कुंवर सिंह का संघर्ष जो है सिर्फ देश को आज़ाद कराना ही नहीं था, देश में भाईचारे की बात करना। और यहाँ तक जगदानंद सिंह ने कहा कि उस समय जब आप उनके सैनिक को देखिएगा तो उसमें हिंदू मुस्लिम सारे समाज के लोग थे। जगदानंद यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो अंग्रेज जो आज जो कार्यक्रम हो रहा है आरा में, वो क्या जाने, वो कभी सावरकर जो है सावरकर के वंशज अंग्रेजों के दलाल थे और आज जो है वो कार्यक्रम मना रहे हैं। क्या कुछ कहा जगदानंद सिंह ने, आप विस्तार से सुनिए। मनाई जा रही है प्रदेश कार्यालय में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? ये हम लोग केवल एक दिन की नहीं, लगातार कुंवर सिंह के सिद्धांत को मानते हैं, देश आजाद भी हो, देश में भाईचारा भी हो, और उसी पर हम सब कायम हैं। आज की तरह इन्होंने कुंवर सिंह के संघर्ष में अंग्रेजों की दलाली की, और भले वो दिखावे के लिए अमृत महोत्सव के नाम पर, जिसके नाम पर आज ये कर रहे हैं नाटक, अपने आप में भूल जा रहे हैं कि कुंवर सिंह की लड़ाई का परिणाम निकला आज़ादी का, उस भाईचारे का क्या होगा? इस भाईचारे के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, आज़ादी के लिए भी और भारत एक रहे इसके लिए भी, भूलिएगा मत। उनके शिपाशाले और मिशन थे, उनके सारे सेनापति पिछड़े थे, सभी लोग थे, न बड़े का न छोटे का कोई भेदभाव नहीं था। आज ये जो अंग्रेजों के गुलाम थे, सावरकर के वंशज, आज ये समझते हैं कि कुंवर सिंह की जयंती मनाकर हम कुंवर सिंह के उत्तराधिकार को हम प्राप्त कर, लेकिन भूल जाते हैं उनकी अभी ग्रैंडसन नाती को पुलिस मारते मारते मार डाला, जिस कुंवर सिंह ने पुलिस विद्रोह की अगुवाई की थी, तत्कालीन सारी पुलिस उस विद्रोह में शामिल होकर के अंग्रेजों की सत्ता को हिला दिया था। आज कौन सा अमृत शव मना रहे हैं? जब ये भाईचारा टूट जाएगा, उनके परिवार को लोग मारोगे, जिस लड़ाई के लिए वो लड़ करके भारत को आजाद किया, उसी को खतरे में डालोगे, तो ये दिखावे का महोत्सव उनका है और सब हम लोग हृदय से स्वर्गीय वीर कुंवर सिंह, भारत की आजादी के नायक, हम हर तरह से उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं और ये श्रद्धा भाव अनवरत बना रहेगा, क्योंकि एक संदेश भी है कि भारत फिर से गुलाम ना हो और भारत का भाईचारा खत्म ना हो। इतने दंगाई उन्मादी आजादी का अर्थ ही नहीं समझते। आजादी का अर्थ आजादी की लड़ाई में समझे कि इसका मकसद क्या है, आज आजाद भारत में उस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसलिए आज सबसे बड़ा इस सेना नायक का संदेश है, इस भारत को खंडित करने वाले को, फिर से गुलामी के जंजीर में धकेलने वालों को कभी साथ मत दो, सभी लोग मिलकर भाईचारे के साथ इस भारत की प्रगति, ताकि दुनिया में भारत का नाम हो और वीर कुंवर सिंह जिस लड़ाई को शुरुआत किए थे वो लड़ाई कभी रुकने ना पावे। केवल आजादी की लड़ाई नहीं थी, वो भाईचारे की भी लड़ाई थी, अखंड भारत की लड़ाई थी, धर्म के आधार पर बटे हुए भारत की कल्पना उन्होंने नहीं की थी। इसलिए मैं पुनः आपके सामने इस बात को दोहरा रहा हूँ, इस भारत को
वीर कुंवर सिंह की शुरुआती लड़ाई जो एक भारत शबों के लिए भारत, उन्होंने लड़ाई की थी आजाद भारत की, पूरे हम सब लोग उनके इस लड़ाई के साथ है। नंबर वन बनाने की कौन कर रही है? नंबर वन बनाने का रिकॉर्ड कौन कर रही है? 75,000 तिरंगा लगा करके दस सवालों का जवाब एक बार होगा। नंबर वन बनाने की बात कही जा रही है, इस कार्यक्रम को नंबर वन बनाने की तैयारी में है। 75,000 तिरंगा फहराएगी बीजेपी आज के दिन। रिकॉर्ड बनाने की बात कही जा रही है। देखो रिकॉर्ड किसका, भारत को खंडित ही कर रहा है, ये प्रदर्श है। और ये नहीं आम जन समझा, इनके मकसद क्या है, तो जो कुंवर सिंह की लड़ाई आजाद भारत में भारत को एक रखने की थी, ये धार्मिक उन्मादी उसको धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं, इसको बचाना है। फिर ये समय आ गया उनके आदर्शों पर चलकर हम सभी लोग इस भारत को बचाने का प्रयास करें। नीतीश कुमार की एंट्री कब हो रही है सर, स्टार पार्टी में शामिल हुए? नीतीश कुमार कल स्टार पार्टी में शामिल हुए, कब एंट्री मिल रही है राज्य? विषय को डायलेट मत करो बेटा। आपने जगदानंद सिंह को सुना, हम आपको बता दें कि वीर कुंवर सिंह भोजपुर से थे, जो अभी आरा के रूप में जाना जाता है। साथ में जब 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसमें वीर कुंवर सिंह बिहार के धरती से जो है अंग्रेजों के खिलाफ पुलिस विद्रोह करते हैं, उनके साथ दानापुर की सेना रहती है। कहा जाता है कि जब गंगा पार कर रहे थे तो हाथ में गोली लग गई अंग्रेजों की, और वो उससे जो है एक तरह से लड़ाई लड़ने के लिए अपने बाजू को जो है वो काट देते हैं, और बाजू जो है वो गंगा में अर्पण कर देते हैं। लेकिन अंग्रेजों से जो है लड़ाई उनका चलते रहता है, और कहा जाता है कि जो आरा में जो छावनी थी उसको अंग्रेजों से छीन कर अपने कब्जे में वो कर लिए थे। वीर कुंवर सिंह बिहार के धरती में जन्मे, एक रण बांकुड़े माने जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।